हम समझते हैं नीतीश जी ने ऐसा क्यों किया ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है, बहुत बड़ा विश्वासघात बिहार में लोकतंत्र के साथ, सामाजिक न्याय के साथ। अभी कर्पूरी जी को नीतीश कुमार मुर्दाबाद, कर्पूरी जी को अभी भारत रत्न से नवाजा गया है। हम सबों की ख्वाहिश थी, लंबे समय से मांग थी कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले, भारत का सबसे बड़ा जो सम्मान होता है, अभी उनको दिया गया। लेकिन आप देख लीजिए कि कर्पूरी जी किस रास्ते पर चलते थे और अभी हमारे नीतीश जी किस रास्ते पर चल रहे हैं। और आपने देखा कि नीतीश जी कह रहे हैं कि काम नहीं हो पा रहा था, काम लेकिन हो रहा था। क्या काम हुआ? एक पूरे सर्वे हुआ, बिहार में जातियों की गिनती की गई, पूरे देश में हम मांग रहे हैं कि जातियों की गिनती हो, बिहार में आरक्षण में इजाफा किया गया, हम चाहते हैं कि पूरे देश में गिनती के आधार पर आरक्षण का नया फॉर्मूला पूरे देश में लागू हो, बिहार में अभी लाखों की तादाद में शिक्षकों को नौकरी मिली, पक्की नौकरी मिली, हम चाहते थे कि पूरे बिहार में नौजवानों को पूरा काम करने का पूरा अधिकार मिले और उनको पक्की नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले। लेकिन ये जो काम हो रहा था, शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी को तो पसंद नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था कि चुनाव से पहले 2024 में, चुनाव से पहले भाई बिहार पर फिर से कब्जा कर लिया जाए, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र पर कब्जा कर लिया, बिल्कुल उसी तरह आज इन्होंने शायद नीतीश जी को मुखौटा बनाकर इन्होंने कब्जा कर लिया। ये जो मोदी जी का नारा था एक जमाने में कि कांग्रेस मुक्त भारत, वो नारा उस पर आगे चलते हुए बढ़ते हुए आज वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में पूरा विपक्ष खत्म हो जाए, कोई विपक्ष की सरकार नहीं चल पाए। और आज फिर एक बार उसी का प्रयोग बिहार में हुआ है।